अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ऑनएक्स इंटरनेशनल से मैं हूं वलीद और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मरला की यूनिक प्रॉपर्टी। व्यूअर्स, इसकी लोकेशन की बात करें तो बैरिया टाउन इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पे वाक़ है व्यूअर्स, और आप इसका फ्रंट एलिवेशन तो चेक करें, काफ़ी खूबसूरत स्टिको वॉल के साथ जो है व्यूअर्स इसका आप ब्लैक एंड वाइट थीम में इसको तैयार किया गया है। व्यूअर्स, अगर आप इसका कार रैम्प देखें तो काफ़ी यूज स्पेस कार रैम्प पे भी मिल जाती है, दो गाड़ियाँ इजीली पार्क हो सकती हैं। व्यूअर्स, ऑन दी लेफ्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रीन एरिया मिल जाता है प्लांटेशन वर्क के लिए, तो इसके बैक पे भी अगर वॉल को देखें तो काफ़ी खूबसूरती से स्टार वार्म लाइट्स का इस्तेमाल किया है इसको इन्हेंस करने के लिए। व्यूअर्स, इसकी एलिवेशन में भी देखें तो काफ़ी खूबसूरत इसमें जो है लाइटिंग कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल किया गया है, इसकी वार्म लाइट्स से इन्हेंस किया गया व्यूअर्स इसकी सीलिंग को। व्यूअर्स, यहाँ से एंटर होते हैं घर के अंदर तो सबसे पहले तो आप इसका जो है मेन गेट चेक करें, काफ़ी खूबसूरत इसका सॉलिड मेन गेट तैयार किया गया है, CNC कटिंग से इसको डेकोर किया गया। यहाँ से चलते हैं घर के अंदर और आपको इसका टूर कराते हैं। यहाँ से एंटर हो गए हैं गेट के अंदर, अगर आप इसका गैराज स्पेस चेक करें तो काफ़ी अच्छी स्पेस है इसमें व्यूअर्स, यहाँ पे तीन गाड़ियाँ इजीली पार्क हो सकती हैं। व्यूअर्स, ऑन दी लेफ्ट आपको यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल ग्रास लगा के यहाँ पे सिटिंग एरिया दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी सिटिंग भी अभी इनिशियल सिटिंग भी की गई है। व्यूअर्स, ऑन दी राइट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको वॉक वे मिल जाता है जिसको आप एज अ लॉन्ड्री एरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरती से इसको तैयार किया गया, काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। व्यूअर्स, अगर आप इसकी साइड वॉल देखें तो काफ़ी खूबसूरती से इसको जो है स्टीको वॉल से तैयार किया गया, बीच में ब्लैक लाइनिंग इस्तेमाल काफ़ी खूबसूरत लग रही है। व्यूअर्स, अगर आपको इसका मैं सीलिंग डिज़ाइन दिखाता चलूँ तो काफ़ी खूबसूरत लाइन में इसके जो है वार्म लाइट के साथ इसको इन्हेंस किया गया। व्यूअर्स, यहाँ पे फ्रंट पे आपको जो है सीनरी लगाने के लिए जगह मिल जाती है, यहाँ पे आप अल्लाह ताला का नाम लगाएं जैसे काफ़ी खूबसूरत लगेगी। व्यूअर्स, घर क्योंकि डबल यूनिट है तो आपको इसकी डबल एंट्रेंस मिल जाती है। व्यूअर्स, यहाँ से अभी चलते हैं घर के अंदर तो सबसे पहले तो इसकी आपको डोर की दिखाऊं तो काफ़ी सॉलिड डोर इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, काफ़ी ह्यूज इसमें जो है मैसिव इस्तेमाल किए गए हैं डोर। यहाँ से व्यूअर्स आपकी सेकेंड एंट्रेंस बन जाती है, और यहाँ से अगर आप सेपरेट करना चाहें, अगर इसको डबल यूनिट इस्तेमाल करना है यहाँ से आप सेपरेशन लगा के सेपरेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको इसका दिखाऊं, ये इसका छोटा सा पाउडर एरिया और काफ़ी खूबसूरत पाउडर एरिया। व्यूअर्स, ये इसकी मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ खुद ही, ये इसका पाउडर एरिया, काफ़ी छोटी सी स्पेस को भी काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया गया है। व्यूअर्स, यहाँ पे आपका वॉल हंग कमोड लगा हुआ है, और आप इसका जो है व्यूअर्स इसका ये वैनिटी सेटअप चेक करें, काफ़ी खूबसूरत जेट ब्लैक कलर्स में इसका वैनिटी सेटअप है, और इसकी सैनिटरी भी जो है ब्लैक कलर्स में इस्तेमाल की है, और काफ़ी प्यारा सा इसमें जो है व्यूअर्स इसका जो है मिरर लगा हुआ है। व्यूअर्स, यहाँ से मज़ीद अंदर आपको लेके चलता हूँ तो ये इसका आ जाता है लिविंग एरिया। व्यूअर्स, लिविंग एरिया में अगर आप देखें तो साइड वॉल पे काफ़ी अच्छे से व्यूअर्स इसकी कुशनिंग की गई है, कुशनिंग से तैयार किया गया, और बीच में व्यूअर्स इसमें गोल्डन बॉर्डर्स दिए गए हैं बीच में। और ये व्यूअर्स इसकी मीडिया वॉल है आपकी, मीडिया वॉल पर अगर आप देखें तो पूरी 8 फुट की जो है सुपर ग्लॉस शीट इस्तेमाल की गई है वाइट कलर की, यहाँ पर आपकी 60 इंच की LED आराम से आ सकती है। यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर जो है कंसोल भी तैयार किया गया है। व्यूअर्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप इसकी फ्लोरिंग देखें तो काफ़ी खूबसूरत लाइट कलर्स में इसकी फ्लोरिंग इस्तेमाल की गई है व्यूअर्स, और यहाँ से ही आपका जो है इसका सीलिंग इफेक्ट चेक करें। व्यूअर्स, पूरे घर में सीलिंग इफेक्ट जो है आपको मिनिमल सा मिलेगा, जो काफ़ी ओवर नहीं हो जाता, काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी खूबसूरत है, इसमें शैंडलियर हैंग किया हुआ है। व्यूअर्स, अब चलते हैं इसके अंदर जो है इसके ड्राइंग एरिया में। ये इसका ड्राइंग एरिया व्यूअर्स, काफ़ी खूबसूरत ड्राइंग एरिया, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे सेपरेशन भी की गई है ग्लास से जो है, आपको इसका आप सी थ्रू भी बन सकती है, ये नहीं तो आप यहाँ पे कर्टन्स लगा सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ से एंटर होते हैं इसकी जो है ड्राइंग एरिया में, तो अगर आप इसकी वॉल देखें तो काफ़ी खूबसूरती से वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। व्यूअर्स, इसमें भी जो है अंदर वार्म लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं इसको इन्हेंस करने के लिए। व्यूअर्स, आपको इसका सीलिंग इफेक्ट चेक कर रहा हूँ तो काफ़ी खूबसूरत इसका सीलिंग इफेक्ट है, और प्रोफाइल लाइटिंग ने इसको मज़ीद इन्हेंस कर दिया। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको सेप एंट्रेंस भी मिल जाती है ड्राइंग में, गेस्ट हैं आप बाहर से ही अंदर बिठा लें, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब व्यूअर्स चलते हैं मज़ीद इसके किचन की तरफ, तो किचन का आपको टूर कराता हूँ, किचन भी काफ़ी खूबसूरत है। अंदर जाने से पहले अगर आप किचन को बाहर से देखें तो यहाँ पे आपको जो सिटिंग एरिया मिल जाता है, यहाँ पे आप फाइन डाइन कर सकते हैं, बैठ के सुबह सुबह नाश्ता करें, यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे नाश्ता दें। और व्यूअर्स, यहाँ से अब चलते हैं किचन के अंदर।
व्यूअर्स, यहाँ से एंटर होते हैं किचन में तो आप किचन की स्पेस चेक करें, काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। इसका सबसे पहले तो सीलिंग डिज़ाइन देखें, काफ़ी खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है व्यूअर्स, और सारी जो है इसमें सुपर ग्लॉस शीट इस्तेमाल की गई है और काफ़ी जो है खूबसूरत लग रहा है। वाइट कलर इस्तेमाल किया गया जो काफ़ी इन्हेंस कर रहा है व्यूअर्स। और व्यूअर्स इसका अगर आपको काउंटर टॉप दिखाऊं तो ये कोरियन का तैयार किया गया काउंटर टॉप है और काफ़ी खूबसूरत है व्यूअर्स। इसका ये आपका बांडे तोने वाला सेटअप है। अगर आप इसकी सेंटर ही देखें तो ब्लैक कलर की, जेट ब्लैक कलर की इसमें सेंटर ही इस्तेमाल की गई है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है व्यूअर्स। अब चलते हैं, इसका आपको मैं दिखाता हूँ, ये आ गया इसका स्टोव और इसके ऊपर इसका जो है हुड आ गया, काफ़ी खूबसूरत इसमें है व्यूअर्स। आपको मैं चेक कराऊँ तो काफ़ी खूबसूरत अच्छी स्पेस इसमें दी गई है, ये आपने खोला तो ऑटोमेटिक ये ओपन होके आ जाता है व्यूअर्स। यहाँ से जो है आपको मैं इसका एक ये वाला भी जो है कटलरी का दराज दिखाऊँ तो काफ़ी खूबसूरत इसमें जो है व्यूअर्स, आप यहाँ पर अपनी कटलरी वगैरह रख सकते हैं, सारा सामान साजो सामान रखें अपना व्यूअर्स। अब चलते हैं इसका जो है अंदर कमरों की तरफ व्यूअर्स। यहाँ से इसकी जो है ग्राउंड पे दो कमरे दिए गए हैं व्यूअर्स, यहाँ से इसके फर्स्ट बेडरूम में एंटर होते हैं तो यहाँ पे आप चेक करें, काफ़ी खूबसूरत इसके कमरे की स्पेस दी गई है, काफ़ी स्टैंडर्ड साइज रखा गया कमरों का भी व्यूअर्स। आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देखें तो काफ़ी खूबसूरत मिनिमल सा सीलिंग डिज़ाइन तैयार किया गया व्यूअर्स। आपकी इसकी बैक वॉल ये बनती है और यहाँ पे आपका अगर देखें तो काफ़ी खूबसूरती से इसमें जो है वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया और इसे वार्म लाइट से इन्हेंस किया गया और काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत इस पर वॉल लैंप्स का इस्तेमाल किया गया व्यूअर्स। अब चलते हैं व्यूअर्स इसके बाथरूम में, तो यहाँ से एंटर होते हैं इसके बाथरूम में व्यूअर्स। ये बाथरूम इसके बहुत खूबसूरत वॉल फैक्टर्स हैं, यहाँ पे आपको छोटा सा प्लांटेशन वर्क भी मिलता है व्यूअर्स। यहाँ से अगर आप देखें तो मराची का आपको जो है इसका जो है वैनिटी सेटअप मिलता है और आप इसकी सैनिटरी चेक करें, काफ़ी खूबसूरत सैनिटरी का इस्तेमाल किया गया व्यूअर्स। आप यहाँ पे इसका मिरर भी देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है व्यूअर्स। यहाँ पे इसमें जो है आपको हैंगिंग लैंप मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है व्यूअर्स। अगर आप इसकी देखें मेन फीचर तो अगर जो है आपका जो वार्डरोब है वो अंदर ही बाथरूम में मिलती है साइड पे करके, और ये भी है भी स्लाइडिंग वाली, काफ़ी स्मूथ है जो आपको फीलिंग आती है यहाँ पे। अगर आप इसके टाइल वर्क देखें तो वॉल्स पे जो है टॉप तक टाइल वर्क दिया गया, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है व्यूअर्स। ये इसका कमोड आ जाता है, काफ़ी अच्छा इसका जो है व्यूअर्स वॉल हंग कमोड इस्तेमाल किया गया है व्यूअर्स। यहाँ से एंटर होते हैं व्यूअर्स इसके जो है वॉशिंग एरिया में, ये आपका आ गया इसका शॉवर एरिया। तो आप व्यूअर्स आप इसका रेन शॉवर तो चेक करें, कंसील्ड रेन शॉवर इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्या मैसिव साइज है इस रेन शॉवर का व्यूअर्स, काफ़ी अच्छा जो है व्यूअर्स इसमें रेन शॉवर्स का भी इस्तेमाल किया गया। अब चलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रूम में, वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे भी वाओ फैक्टर्स काफ़ी इस्तेमाल किए गए हैं व्यूअर्स। यहाँ से एंटर होते हैं इसके सेकेंड बेडरूम में व्यूअर्स, ये इसका सेकेंड बेडरूम है। अगर देखें तो व्यूअर्स क्या खूबसूरत इसमें स्पेस दी गई है, और व्यूअर्स आप इसका ये इसका सीलिंग डिज़ाइन चेक करें व्यूअर्स, मुझे तो बहुत पसंद आया, काफ़ी सिंपल और मिनिमलिस्टिक सा सीलिंग कलर इस्तेमाल किया गया व्यूअर्स। आप इसके वॉल लैंप्स देखें तो काफ़ी खूबसूरत इसमें प्रोजेक्टर वाले वॉल लैंप्स इस्तेमाल किए गए हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स इसमें आपको वार्डरोब जो है कंसील्ड वार्डरोब मिलती है, दीवार के अंदर कंसील्ड हुई है व्यूअर्स, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अब चलते हैं इसके जो है बाथरूम में व्यूअर्स, ये एंटर होते हैं आप इसके बाथरूम एरिया में, तो ये सामने आपको जो है इसका वैनिटी सेटअप मिल जाता है, मराची का वैनिटी सेटअप है। लेकिन व्यूअर्स जो सबसे मज़े की बात है, आपका ये ग्लास के मिरर इस्तेमाल किया गया, काफ़ी खूबसूरत और लंबा इस्तेमाल किया गया व्यूअर्स। यहाँ पर आपका आ जाता है इसका कमोड सेटअप, वॉल हंग कमोड पूरे घर में इस्तेमाल किए गए हैं जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और व्यूअर्स ये आ गया आपका शॉवर एरिया, काफ़ी खूबसूरती से व्यूअर्स शॉवर एरिया इस्तेमाल किया गया। यहाँ से आप एंटर हो तो अगर शॉवर एरिया की भी अगर आप इसमें लुक्स देखें तो यहाँ पे आपको जो है इसमें जो है वुडन फिनिश मिलती है टाइल में भी व्यूअर्स। यहाँ पे अंदर ही जो है काफ़ी खूबसूरत, आप इसकी भी जो है देखें अगर शॉवर रेन शॉवर का साइज़ देखें तो मैसिव साइज़ का इस्तेमाल किया गया व्यूअर्स, मास्टर साइज़ इस्तेमाल किया गया व्यूअर्स। यहाँ से चलते हैं व्यूअर्स, अब आपको फर्स्ट फ्लोर की भी जो है मैंने आपको विजिट कराना, उसके भी मैं दिखाता हूँ। नीचे दो बेडरूम है लेकिन ऊपर जो है तीन बेडरूम है और उसमें भी काफ़ी खूबसूरत व्यूअर्स वॉल फैक्टर्स हैं। ये इसकी एंट्रेंस आ जाती है फर्स्ट फ्लोर के लिए और काफ़ी खूबसूरत इसमें व्यूअर्स मार्बल का काम किया गया। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे और आपको विजिट करता हूँ व्यूअर्स। यहाँ से एंटर हो गया इसके हम फर्स्ट फ्लोर पे, तो अंदर ले जाने से पहले मैं तो आपको इसको जो है टेरेस एरिया दिखा दूँ, तो यहाँ से आपको लेके चलता हूँ टेरेस एरिया में। तो व्यूअर्स ऑन द लेफ्ट आपको छोटी सी जो है स्टोर रूम की स्पेस मिल जाती है, जिसे एज अ स्टोर रूम इस्तेमाल कर सकते हैं व्यूअर्स। यहाँ से हम चलते हैं इसके टेरेस एरिया में।
व्यूज़, ये इसका टेरेस एरिया काफ़ी खूबसूरत, अच्छी स्पेस इसमें भी यूटिलाइज़ की गई है। व्यूज़ अगर आप देखें, सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी आपको छोटी सी स्पेस मिल जाती है, एज ए लॉन्ड्री एरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे फर्स्ट फ्लोर की। व्यूज़ काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है, यहाँ पे आप शाम को बैठ के टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, और इधर भी स्टीको वॉल के साथ आपको जो है सारा जो है फ्रंट तैयार मिलता है। यहाँ पे भी आपको सीनरी के लिए स्पेस मिल जाती है व्यूअर्स। अब चलते हैं अंदर, इसका मज़ीद आपको अंदर फर्स्ट फ्लोर के कमरे विज़िट कराऊँगा। काफ़ी खूबसूरत इसमें व्यूअर्स जो है, आपको वॉ फैक्टर्स दिखाता हूँ। ये व्यूज इसके फर्स्ट फ्लोर का है व्यूअर, इसका लिविंग रूम, और सबसे पहले तो आप इसके शैंडलियर चेक करें, क्या खूबसूरत व्यूज नियन लाइट्स का इस्तेमाल किया गया शैंडलियर के अंदर, काफ़ी खूबसूरत लग रही है व्यूअर्स। व्यूज़ ये भी वार्म लाइट है, लेकिन ये इसका शेड वाइटिश शेड है, इसलिए जो है आपको थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि ऊपर जो है डार्क वार्म लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं। काफ़ी खूबसूरती इसका जो है व्यूअर्स सीलिंग इफेक्ट भी है। व्यूज़ ये आ जाता है इसका जो है मीडिया वॉल, और मीडिया वॉल अगर देखें तो काफ़ी खूबसूरती से इसकी मीडिया वॉल का डिज़ाइन किया गया है। व्यूअर्स इसमें भी सुपर ग्लॉस शीट इस्तेमाल की गई है, यहाँ पर अपनी आप LCD लगाएं, यहाँ पर नेटफ्लिक्स इंजॉय करें व्यूअर्स। व्यूज़ ये इसकी मेन वॉल पे भी, फर्स्ट फ्लोर पे भी इसकी मेन वॉल पे कुशनिंग का ये इस्तेमाल किया गया, काफ़ी खूबसूरत लग रही है व्यूअर्स। व्यूअर्स आपका इसका मैं बेडरूम आपको विजिट कराता हूँ। तो ये इसका बेडरूम नंबर 1 है, और आप यहाँ से एंटर होते हैं, काफ़ी अच्छा साइज़ यूटिलाइज़ किया गया, और आप इसका सीलिंग इफेक्ट इंजॉय करें व्यूअर्स, बहुत अच्छा सीलिंग इफेक्ट इसमें इस्तेमाल किया गया है। आपको जो है व्यूअर्स यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत जो है वॉल लैंप्स मिलती हैं, और अगर आप देखें तो LED लाइट्स का भी इस्तेमाल अच्छे से किया गया। वैसे अब एंटर होते हैं इसके बाथरूम में, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मराची का टोटल इस्तेमाल किया गया इसमें व्यूअर्स। जो है आप वैनिटी सेटअप देखें तो काफ़ी खूबसूरत वैनिटी सेटअप इस्तेमाल किया गया, वही इसमें भी बड़ा सा शीशा इस्तेमाल किया गया। व्यूअर्स इसमें भी ग्राउंड फ्लोर की तरह आपको जो है बाथरूम के अंदर ही आपका वार्डरोब एरिया मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत वार्डरोब है व्यूअर। ये भी स्लाइडिंग वाला इसमें इस्तेमाल किया गया, काफ़ी स्मूथ जो है एक्सपीरियंस रहता है इसके साथ। व्यूअर्स आप इसका टाइल देखें तो काफ़ी 3D फिनिश में टाइल इस्तेमाल किया गया व्यूअर्स। और यहाँ से आप एंटर होते हैं इसके व्यूअर्स, इसमें भी कमोड एरिया भी देखते जाएं तो इसमें जो है वॉल हंग कमोड इस्तेमाल किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि पूरे घर में वार्डरोब जो इसमें कमोड एरिया वॉल हंग कमोड इस्तेमाल किए। व्यूअर्स ये आ गया इसका भी रेंज शावर। व्यूअर्स मैं कह रहा हूँ मैं परेशान हो गया हूँ, इतना बड़ा जो है ना व्यूअर्स इसका रेंज शावर का साइज़ देख के मैंने पहली दफ़ा ये देखा किसी भी घर में, बहुत बड़ा इसमें इस्तेमाल किया गया व्यूअर्स, इसमें रेन शॉवर का एरिया भी। यहाँ से चलते हैं व्यूअर्स अब इसके नेक्स्ट कमरों की तरफ। तो कमरों में लेके जाने से पहले तो मैं अगर आपको दिखा दूँ यहाँ से किचन की तरफ व्यूअर्स, ये इसके किचन की आते हैं, तो यहाँ पे आपको भी जो है एंट्रेंस में जहाँ पे सेटिंग मिल जाती है फाइन डाइन के लिए, एज जिस तरह ग्राउंड फ्लोर पर मिली है। यहाँ से एंटर होते हैं किचन में, तो व्यूअर्स ये वाला किचन जो है नीचे से भी ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार किया गया व्यूअर्स। आप इसकी स्पेस तो चेक करें व्यूअर्स, इसका काफ़ी अच्छी स्पेस को यूटिलाइज़ किया गया व्यूअर्स, और कॉर्नर टू कॉर्नर इसका काउंटर टॉप तैयार किया गया व्यूअर्स। इसकी साइड पे आपको ये मिल जाती है इसकी व्यूअर्स स्पेस, अगर काफ़ी अच्छी यूटिलाइज देखें, ऑटोमेटिक इसकी रेलिंग्स बाहर आ जाती हैं, काफ़ी खूबसूरत, और ऊपर इसमें हाइड्रोलिक्स जो है इस्तेमाल की गई है, काफ़ी खूबसूरत लगी व्यूअर्स। यहाँ से अगर आपको इसका दिखाऊं तो इसका भी काउंटर टॉप जो है कोरियन का तैयार किया गया, और व्यूअर्स आपको इसकी ये मैं इसकी जो है व्यूअर्स कबर्ड दिखाता हूँ, तो काफ़ी खूबसूरत तैयार की गई है व्यूअर्स। ये जो है हैंडललेस कबर्ड इस्तेमाल की गई है, अंदर वार्म लाइट्स लगाई गई हैं काफ़ी, क्योंकि बाहर से ट्रांसपेरेंट ग्लास इस्तेमाल किया गया, तो बाहर से एक अलग ही फील आती है व्यूअर्स। व्यूअर्स ये इसका स्टोव है व्यूअर्स, ये यहाँ पे आपका इसका ऊपर हुड इस्तेमाल किया गया व्यूअर्स। अगर आप देखें तो इसमें भी आपको कटलरी के लिए सेपरेट जो है इसमें जो है मिलता है दराज, यहाँ पे आप काफ़ी खूबसूरत इसमें जो है व्यूअर्स डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी के रंगा बना के रख सकते हैं व्यूअर्स। यहाँ से आप चलते हैं इसके कमरों की तरफ, जो आप जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं वीडियो को व्यूअर्स। यहाँ से इसके एंटर होते हैं कमरे में फर्स्ट फ्लोर के सेकेंड रूम में, तो काफ़ी अच्छी स्पेस इधर भी यूटिलाइज़ की गई है व्यूअर्स। काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ के कमरे रखे गए हैं, जो स्पेस कम नहीं है, काफ़ी अच्छी स्पेस है व्यूअर्स। इसका सीलिंग डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत काफ़ी खूबसूरती से तैयार किया गया है व्यूअर्स। यहाँ पे आपका जो है ग्राउंड फ्लोर पे जिस तरह आपकी तैयार किए गए थे एक एक वॉल पे वॉलपेपर्स इस्तेमाल किए गए थे, इसी तरह व्यूअर्स यहाँ पर भी आपको वॉलपेपर्स का काम मिलता है। ये व्यूअर्स आपका यहाँ पर वार्डरोब एरिया आ जाता है, यहाँ पर अपने कपड़े शपड़े रखें व्यूअर्स। यहाँ से आप चलते हैं बाथरूम में व्यूअर्स,
बाथरूम पूरे घर के मेन फैक्टर्स रहे हैं इसके, काफ़ी खूबसूरत इसमें घर तैयार किए, बाथरूम तैयार किए गए हैं। अगर इसका आप देखें वैनिटी सेटअप, तो वाइट कलर का वैनिटी सेटअप है व्यूअर्स। और अगर आपको इसके यहाँ पे दिखाऊं तो ये मार्बल के जो है इसमें साइड्स इस्तेमाल की गई हैं व्यूअर्स। यहाँ पे इसका मराची का जो है आपका वैनिटी सेटअप मिलता है। और आप इसका ग्लास वर्क देखें, काफ़ी खूबसूरत व्यूअर्स। यहाँ से आपको नीचे यहाँ पे वॉल हंग कमोड मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इसका आ जाता है व्यूअर्स शॉवर एरिया, सेपरेट शॉवर एरिया दिया गया है व्यूअर्स। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये व्यूअर्स। और आप इसके शॉवर चेक करें, काफ़ी खूबसूरत मॉडर्न शॉवर इस्तेमाल किया गया व्यूअर्स। ये इम्पोर्टेड शॉवर है ये, इसमें जो है थ्री वेज इसके शॉवर एरिया है व्यूअर्स। चलते हैं अब नेक्स्ट रूम की तरफ व्यूअर्स। उसमें भी अच्छे व्यूअर्स, उसमें भी अच्छे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी चीज़ इस्तेमाल की गई होगी, यूनिक इस्तेमाल की होगी। यहाँ से एंटर होते हैं व्यूअर्स इसके लिए बेडरूम में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेडरूम। इसका सीलिंग डिज़ाइन देखें, और आप इसकी प्रोफाइल लाइटिंग चेक करें व्यूअर्स। काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी प्रोफाइल लाइटिंग की गई है व्यूअर्स। ये इसका आपका वार्डरोब एरिया है, यहाँ पर अपना सामान शान रखें आप व्यूअर्स। ये इसकी भी स्पेस को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया गया है। अब चलते हैं बाथरूम की तरफ, तो इसके बाथरूम में देखते हैं कौन सा यूनिक फैक्टर इस्तेमाल किया गया व्यूअर्स। ये इसका बाथरूम आ जाता है व्यूअर्स। अगर आप देखें तो ये आपका साइड पे कमोड एरिया है, वॉल हंग कमोड्स इस्तेमाल किए गए हैं व्यूअर्स। ये सामने आपका जो है वैनिटी सेटअप आ जाता है, ये मराची का वैनिटी सेटअप, सेम पूरे घर में मराची के वैनिटी सेटअप लगाए गए व्यूअर्स। ये इम्पोर्टेड वैनिटी सेटअप है। यहाँ पे आपका जो है मिरर आ जाता है व्यूअर्स। ये यहाँ से आपको जो है शॉवर एरिया सेपरेट करके दिया गया, इसमें भी इम्पोर्टेड व्यूअर्स जो है शॉवर इस्तेमाल किया गया। काफ़ी खूबसूरत कलर है इसका व्यूअर्स। मैं एक्सप्लेन करूँ तो ग्रे सा कलर जो है, ग्रे शेड का कलर है व्यूअर्स, काफ़ी खूबसूरती से तैयार किया गया व्यूअर्स। व्यूअर्स अब बात करते हैं इसकी डिमांड की व्यूअर्स। इसकी डिमांड की बात करें तो व्यूअर्स ये 10 मरले की प्रॉपर्टी की डिमांड 5 करोड़ रुपया इसकी डिमांड है व्यूअर्स। घर की अगर कोई डील बनानी हो हमारे साथ, नीचे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं व्यूअर्स। जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें, और कमेंट करके बताएँ कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।